हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेड सैंडविच बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। घोल तैयार करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। इसमें हम 3-4 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन डालेंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिर्च पाउडर हम थोड़ा सा डालेंगे। यह लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसे भी हम डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इन सब को अच्छी तरह से घोल लेंगे। घोल को हम ना ज़्यादा पतला करेंगे ना गाढ़ा करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें और पानी डालेंगे और अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। इस घोल में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गुठलियों को हम इस तरह से दबाते जाएंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। घोल हमारा तैयार हो गया है। घोल को अब हम साइड में रख देंगे। और यह हमने कुछ सब्जियां काट ली हैं। शिमला मिर्च है, थोड़े से पत्ता गोभी हैं और प्याज बारीक कटा हुआ है। इन सबको मिला देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देंगे। यह चाट मसाला है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। देखिए, हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। हम 4 ब्रेड लिए हैं और इसे हम बेसन के इस घोल में इस तरह से डुबाएंगे। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ इसे घोल में डुबा देना है। और तवे पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है, उसमें हम डाल देंगे। यह सरसों तेल नहीं है, आप इसे सरसों तेल में ना बनाएं। यह रिफाइंड ऑयल है और या तो आप घी में बना सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ये हल्का हो चुका है, तो अब हम इसमें सारे सब्जियां जो हमने काट कर रखा था उसे हम डाल देंगे इस पे। इसी तरह से हम दूसरे वाले ब्रेड में भी डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे हम पकने देंगे। आप इसे इस तरह से चेक करते रहें, इसे धीमी आंच पे पकने दें। और इसके ऊपर, सब्जियों के ऊपर, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से बेसन का घोल डाल देंगे ताकि इसे सब्जियां चिपक जाए अच्छी तरह से और यह पलटने में आसानी है। देखिए अंदर कितने अच्छी तरह से क्रिस्पी बन चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरा पलट देंगे। इसके किनारे साइड में थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे ताकि यह चिपके ना और अच्छे से यह पक सके। इसे हम दूसरे ब्रेड पर रख देंगे। और इसे पलट कर देख लेंगे तो यह बीच से अच्छी तरह से पक चुका है। साइड में इसे थोड़ा सा और पकना बाकी है, तो इसे हम दोबारा पलट देंगे। ब्रेड सैंडविच बनकर हमारा तैयार है, तो अब हम इसे बीच से कट कर देंगे। मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।